नमस्कार मित्रों, ये वीडियो जो एक्टिविस्ट है जो दूसरों को राइट टू रिकॉल एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं उसके ऊपर है, एल्गोरिथम वर्सेस डिक्लेरेशन, यानी कि प्रोसीजर वर्सेस स्टेटमेंट। इसके ऊपर कि राइट टू रिकॉल के प्रचार में अलग अलग एक्टिविस्ट जो काम कर रहे हैं वो मुझे अक्सर एक उनको प्रॉब्लम बताते हैं कि भाई दूसरे लोगों को ये समझाना कठिन है या वो समझते नहीं है। तो इसमें इश्यू बेसिकली क्या आता है कि आप कोई भी एक्टिविस्ट लीडर, कोई भी एक्टिविस्ट, कोई भी लीडर की आप किताब पढ़ोगे, फिर वो कार्ल मार्क्स हो या फिर अरविंद गांधी हो, उनकी किताब में बड़े बड़े डिक्लेरेशन ही होते हैं कि हर एक गरीब को फ्री में खाना देंगे, हर एक गरीब को फ्री में एजुकेशन देंगे, हर एक लोक स्वराज, लेबल बहुत बड़े होते हैं और डिक्लेरेशन बहुत बड़े होते हैं। लोक स्वराज होगा, आम आदमी या तो भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, वो डिक्लेरेशन है। जबकि मेरी जो ये हमारे जो राइट आर्टिकल्स है राइट टू रिकॉल rahulmehta.com/301.htm पर ये पूरी किताब है, इसमें पूरे में प्रोसीजर ड्राफ्ट है, एल्गोरिदम है, कहीं भी नारे तो है ही नहीं, पर डिक्लेरेशंस भी मिनिमल है। एक आध लाइन का कहीं डिक्लेरेशन है तो उसके पीछे पूरा एक पेज का प्रोसीजर ड्राफ्ट है जो कि बताता है कि ये डिक्लेरेशन कैसे पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर वगैरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो प्रोसीजर ड्राफ्ट हमेशा समझना और समझना मुश्किल होता है, क्योंकि डिक्लेरेशन तो अंत में एक हवा में किला होता है जिसकी ना कोई डिजाइन है, बस एक एक ऐसा भावना, उसमें भावना हो या ना हो लेकिन एक उन्माद खड़ा कर दे ऐसा एक वाक्य होता है। और प्रोसीजर में एक एक चीज की डिटेल बताई जाती है कि इस काम को करने के लिए कितने पटवारी चाहिए, कितने तहसीलदार चाहिए, कितना पैसा चाहिए, किस तरह से रिकॉर्ड कीपिंग होगा, किस तरह से इंफॉर्मेशन फ्लो होगा। तो ऑब्वियसली ये समझना थोड़ा मुश्किल है। मैं एक और एग्जांपल दूं कि एक बिल्डर के पास जाओ और वो आपको प्लान बता देगा कि ये कमरा इतनी साइज का, ये कमरा इतनी साइज का, इधर किचन, तो आप कहोगे चलो ये प्लान तो बहुत समझना आता है। और किसी आर्किटेक्चर के पास गए, उसने आपको ब्लूप्रिंट दिखाई पूरी कि जिसने नाप लिखा है कि ये दीवार की मोटाई इतनी इंच होगी, ये दीवार की मोटाई इतनी इंच होगी, यहाँ पे ये स्टेयर कैसे, उसकी हाइट इतनी इंच होगी, तो आप कहोगे ये डायग्राम तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। आर्किटेक्चर वाला, वो बिल्डर वाला अच्छा था, लेकिन तो ये हमारे में फर्क है। हम ब्लूप्रिंट बता रहे हैं और इसलिए वो कॉम्प्लिकेटेड है, पर हम ब्लूप्रिंट क्यों बता रहे हैं, मैंने पूरा इसमें ये ड्राफ्ट क्यों लिखा, क्योंकि अधिकतर जो नारेबाजी और डिक्लेरेशन होते हैं वो पॉलिटिक्स में वो ऐसे नारे और डिक्लेरेशन होते हैं कि जो कभी कभी तो इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं होते। जैसे कि ट्रांजैक्शन टैक्स की बात है, ये अर्थ क्रांति वाले जो बोलते रहते हैं वो इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है। वो ट्रांजैक्शन टैक्स दिखाया तो इकोनॉमी 10 दिन में पूरी की पूरी खड्डे में बढ़ जाएगी, 11वें दिन क्या होगा उसका कोई डिस्कस करने का पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि 10 दिन में इकोनॉमी खत्म हो जाएगी इस तरह से ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया तो। और उनके पास डिटेल पूछो तो उनके पास कभी डिटेल होती ही नहीं है। जैसे मैंने ट्रांजैक्शन टैक्स वालों से पूछा कि आप 2% टैक्स लोगे ट्रांजैक्शन पे, तो मुझे बताओ कि मैंने एक चीज खरीदी, मान लो 10,000 की चीज मैंने क्रेडिट कार्ड से खरीदी तो ट्रांजैक्शन टैक्स कितना लगेगा। उसने कहा 2%, यानी 200 रुपया। मैंने कहा आप तो पहले बोल रहे थे हर एक पेमेंट पे 2% लगेगा, अब जब क्रेडिट कार्ड पे ट्रांजैक्शन लिया तो 6 ट्रांजैक्शन होते हैं, तो मुझे बताओ 2% या 12% 6 ट्रांजैक्शन कैसे हुए कि वो 2,000 रुपये ली और उससे क्रेडिट कार्ड लिया, तो मैं पैसा क्रेडिट कार्ड कंपनी को दे रहा हूं और क्रेडिट कार्ड कंपनी उस व्यापारी को पैसा दे रही, यानी मिनिमम 2 ट्रांजैक्शन तो हो गए, क्योंकि मैं क्रेडिट कार्ड कंपनी को, क्रेडिट कार्ड कंपनी उसको महीने के एंड में पैसा दे देगी, मुझे उनको पैसा देना होता है 40-45 दिन के अंदर या 20-25 दिन के अंदर, जो भी बात हो। तो क्रेडिट कार्ड कंपनी है वो जब व्यापारी को पैसा देगी तो उस पर 2% ट्रांजैक्शन लगेगा, और मैं जब क्रेडिट कार्ड कंपनी को टैक्स चुकाऊंगा तो वो 2%, तो 4% तो यही हो गया। फिर दूसरा, कभी कभी क्रेडिट कार्ड कंपनी के बीच में भी 2-3 इंटरमीडियरी होते हैं, क्योंकि व्यापारी को पैसा चाहिए उसी दिन या तो 15 दिन के अंदर, और क्रेडिट कार्ड कंपनी तो मिनिमम 30 दिन के बाद देगी, तो उसको बिल डिस्काउंटिंग बोलती है कि क्रेडिट, वो व्यापारी है वो एक लेंडर के पास जाकर उसको कहे देखो ये क्रेडिट कार्ड कंपनी मुझे 30 दिन बाद 1,000 रुपया देने वाली है, आप मुझे आज कितना पैसा दे सकते हो, तो वो व्यापारी कहेगा चलो भाई महीने का मेरा इंटरेस्ट है 1%, उसके ऊपर मुझे 1% प्रॉफिट चाहिए, तो मैं तुम्हें 2% काट के 980 आज का दे देता हूँ,
और जब व्यापारी को क्रेडिट कार्ड कंपनी 1000 रुपया देगी तो वो उसको 1000 रुपया चुका देगा। तो ट्रांजैक्शन तीन कैसे हो गया कि वो व्यापारी उस लेंडर के पास गया, लेंडर ने उसको 1 महीने का लोन दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पे तो मिनिमम 4% टैक्स लगेगा, 2% वो क्लियर वो जवाब नहीं दे पाते क्योंकि उनके पास प्रोसीजर ड्राफ्ट है ही नहीं। जबकि आप मेरे किसी भी कार्यकर्ता से वेल्थ टैक्स के बारे में क्वेश्चन पूछो तो वो सीधा चैप्टर 25 पे जाएगा और वो देख के बताएगा कि हाँ भाई ऐसे भी इस पर्टिकुलर केस में कि एक आदमी के पास इतना बड़ा घर है, इतना फैमिली मेंबर है तो उसके ऊपर इतना टैक्स आएगा। फिर आप उसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस पूछोगे कि एक घराना है, 4 जनरेशन के 5 जनरेशन के लोग एक साथ रह रहे हैं, 1 एकर का घर है, तो ठीक है वो कॉम्प्लिकेटेड केस में शायद जवाब देने के लिए हो सकता है वो उस समय ना दे पाए, उसे 2-3 लोगों से पूछना पड़े, मैं उसको क्लॉज बताऊंगा कि देखो ये क्लॉज में जवाब है, पर वो जवाब आपको इसी क्लॉज में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसके लिए मुझे आपको कहना पड़ेगा कि ये काम मैं ये इसका जवाब मैं तुम्हें अगले जन्म में दूंगा, वो जवाब आपको इसी क्लॉज में मिल जाएगा। और वो एक्टिविस्ट भी एक बार जवाब देने के बाद दूसरी बार उसको ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछा जाएगा तो वो उसका जवाब दे देगा। तो प्रोसीजर में एक एक स्टेप बाय स्टेप मेंशन करना पड़ता है। तो उसमें क्यों काम बढ़ जाता है कि एक तो भाई ये स्टेप से ये प्रॉब्लम होगा तो इसका उपाय क्या है, वो स्टेप का उपाय होता है 6ठे या 7वें स्टेप में। जैसे पहले स्टेप में मैं बोला राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमिश्नर, तो एक वैलिड क्वेश्चन आएगा कि एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 50-60% पॉपुलेशन बांग्लादेशियों की होगी, वहां वो अपने आदमी को किसी बांग्लादेशी को पुलिस कमिश्नर बना देंगे और वो बाकी 40% जो बचे हैं हिंदू बंगाली उनको भी भगा देंगे मारपीट के। तो उसका जवाब 9th क्लॉज में है। 9th क्लॉज में क्या जवाब है कि राज्य के 51% सिटीजन किसी एक जिले में राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमिश्नर की प्रोसीजर को 4 साल के लिए सस्पेंड कर सकते हैं और वहां पे पुलिस कमिश्नर है वो सीएम अपॉइंट करेगा। सीएम के ऊपर राइट टू रिकॉल है, यानी ममता बनर्जी या बुद्धे भ्रष्ट आदमी जैसा भ्रष्ट आदमी सीएम नहीं बनेगा, कोई कम खराब या अच्छा आदमी सीएम बनेगा। तो उसका जो 4th और 5th क्लॉज से वैलिड क्वेश्चन आ रहा है उसका जवाब मैंने 8th और 9th क्लॉज में दिया हुआ है। तो जब तक वो 9th क्लॉज क्लियर नहीं हो जाता तब तक 4th क्लॉज की साइड इफेक्ट क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। अब ये सारी चीजें डिक्लेरेशन में और लेबल में नहीं आ जाएगी। जो लेबल देने वाला है वो तो बोलेगा लोक स्वराज, पुलिस वाला है वो आम आदमी की बात सुनेगा, बस उसने तो स्टेटमेंट बोल के बात खत्म कर दी, उसको ना कोई प्रोसीजर ड्राफ्ट देना है ना कोई कानून का ड्राफ्ट देना है और न ही इस समस्या का समाधान करने वाला है कि भाई वहां पे उस एरिया में बांग्लादेशी मेजोरिटी हुई उस छोटे इलाके में तो प्रॉब्लम क्या होगा। जैसे कि एक अरविंद गांधी ने उनकी स्वराज पुस्तक में एक मोहल्ला सभा का कंसेप्ट दिया है कि मोहल्ला सभा वहां के सारे डिसीशन लेगी। भाई उस मोहल्ले में यदि बांग्लादेशियों की आबादी और मोहल्ले की आबादी क्या है, 2000-3000-4000 वोटर, उससे भी कम कुछ में तो कोई एक वीडियो में उन्होंने बोला 1200 वोटर, दूसरे वीडियो में बोलते हैं वो 4000 वोटर, उनको खुद को नहीं पता उनके मोहल्ले की आबादी की साइज क्या है और किताब में तो कहीं मेंशन ही नहीं है। और मोहल्ले डिफाइन करने की प्रोसीजर क्या है, एक वार्ड है उसकी आबादी है 50,000 वोटर तो उसको कौन से एरिया में बांटा जाएगा, उसको बांटने की जो भी प्रोसीजर है कि भाई ये पर्टिकुलर सोसाइटी है वो इस वार्ड में इस मोहल्ले में नहीं और इस मोहल्ले में जाना चाहती है और दूसरे मोहल्ले के लोग बोलते हैं नहीं ये सोसाइटी हमें अपने मोहल्ले में नहीं आने देनी, तो इसका निपटारा कौन करेगा। एक सोसाइटी है जैसे मैं एक, तो वो सारे टेक्निकल क्वेश्चन उन्होंने एड्रेस ही नहीं किए। कैसे एड्रेस नहीं किए कि उन्होंने ड्राफ्ट ही नहीं दिया मोहल्ले बनाने का, मोहल्ले की बाउंड्री बनाने का ड्राफ्ट ही नहीं दिया। तो उनके मोहल्ले सभा के डिस्क्रिप्शन बहुत आसान है। आसान क्यों है, क्योंकि वो जितने रियल लाइफ के मुश्किल क्वेश्चन है उनको सब में उनको साइड में धकेल दिया, तो अब उनका ड्राफ्ट है वो नीट एंड क्लीन साफ सुथरा लगता है पर वो रियल लाइफ के प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करता। फिर एक मोहल्ला है जहां पे 800 लोग बांग्लादेशी है और 200-300 बेचारे गरीब आदमी रह रहे हैं भारतीय, तो अब उस मोहल्ला सभा को पावर दी तो वो 800 बांग्लादेशी तो चढ़ बैठेंगे बाकी 300 को भी मार के भगा देंगे, तो उसका क्या उपाय है। तो उसका क्या उपाय बताया, उन्होंने उस क्वेश्चन को ही फेंक दिया। आप उनके कोई भी वीडियो को देख लो तो ये मोहल्ला सभा और बांग्लादेशी के इश्यू को उन्होंने कैसे दबा दिया कि एक एक्टिविस्ट ने ये बांग्लादेशी का क्वेश्चन पूछा तो वो क्वेश्चन ही उन्होंने वीडियो में से एडिट आउट कर दिया। वो क्वेश्चन उसने क्यों पूछा कि मैंने उस एक्टिविस्ट को बोला था कि ये क्वेश्चन पूछना बांग्लादेशियों को, और एक्टिविस्ट भी अग्री हो गया कि हाँ ये बांग्लादेशियों का क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। तो फिर मुझे एक दो दिन बाद फोन करता है कि आज 30 लोगों की मीटिंग हुई थी, मैंने ये बांग्लादेशियों का क्वेश्चन पूछा,
मैंने कहा क्या जवाब दिया तो कि उसने बोला ये कुछ जवाब दिया उसने कि भाई बांग्लादेशों के पहले तो उसने बांग्ला भाषी का पता नहीं जो भी उसने उठपटांग जवाब दिया मैंने कहा चल भाई मैं वीडियो आएगा तो मैं वीडियो में देख लूँगा मुझे वीडियो का URL भेज देना दो तीन दिन बाद उसका मेल आता है कि उसने वो क्वेश्चन वीडियो में से निकाल दिया मेरा क्वेश्चन भी निकाल दिया और उसका जो घटिया आंसर था वो भी निकाल दिया तो मैंने ये बांग्लादेशियों के समस्या कि एक जिले में यदि 50-60-70% बांग्लादेशी है तो उसका उपाय भी मैंने ड्राफ्ट में लिखा तो ऑटोमेटिकली मेरा ड्राफ्ट है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो इसके लिए ड्राफ्ट समझाने के लिए आपको दो बात करनी पड़ेगी एक तो आप जो एक्टिविस्ट है उसको बोलो कि भाई आपकी आपके नेता की प्रपोजल फिर वो अन्ना हो या अरविंद गांधी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो या RSS हो कि आपके प्रपोजल माना कि बहुत सिंपल है वो सिंपल इसलिए क्योंकि उसमें नारेबाजी और डिक्लेरेशन और स्लोगन के सिवा कुछ नहीं है आपने रत्ती भर के एक कानून का ड्राफ्ट नहीं दिया कि आप मान लो कल आपका आदमी PM बनता है या आपके 200-500 आदमी MP बनता है तो आप इस कागज में क्या छापोगे ये कागज है गैजेट और इस गैजेट पे पटवारी तहसीलदार काम करते हैं कि आप गैजेट में क्या छापोगे कि वो आप चुनने के बाद छापोगे तो अभी बताओ क्या छापोगे तो एक भी गैजेट नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट उन्होंने नहीं दिया और इसमें मैंने गैजेट नोटिफिकेशन के ड्राफ्ट दिए हैं तो जाहिर है हमारी बात है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई क्वेश्चन दूसरा ये आता है कि हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया कि पहला स्टेप ये कि पहला स्टेप क्या कि एक्टिविस्ट MP को ऑर्डर भेजना शुरू करे तो उसमें सीधा एक्टिविस्ट को काम करने की बात आती है एक्टिविस्ट दूसरे एक्टिविस्ट को कहे कि भाई मैंने अपने MP को ये ऑर्डर भेजा उसको मोबाइल पे दिखाओ कि जैसे मैंने अपने MP को ऑर्डर भेजा है कि कानून पास करो कि जुवेनाइल एक्ट में जो 18 साल की उम्र है वो कम करके 16 साल करो उसको 1 जनवरी 2010 से लागू करो कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लॉज ऐड करो कि बैकडेटेड लोगों को स्वीकार किया जाएगा क्यों ताकि दिल्ली में जो छठा क्रिमिनल है उसको फांसी की सजा हो सके तो इस तरह का बताओ तुमने अपने MP को क्या SMS भेजा तो एक्टिविज्म का एक एक आउटलाइन है जबकि जो बड़े दूसरे नेता है उनका एक्टिविज्म क्या होता है कि सिर्फ मेंबर बनाओ डोनेशन इकट्ठा करो पोस्टर लेके घूमो नारेबाजी करो रैलियां निकालो तो जाहिर है उनका काम आसान हो गया क्योंकि जब मैं SMS भेजने की बात बोलता हूँ तो वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्यों कि आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा MP का मोबाइल नंबर लाना पड़ेगा MP ने मोबाइल नंबर नहीं ला रहा है तो उसके लैंडलाइन नंबर पे फ़ोन करना पड़ेगा उसको पूछना पड़ेगा तो मेरी बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई लेकिन अंत में दम मेरी बात में क्यों है क्योंकि आपने रैली में नारेबाजी बजाया वो दूसरे दिन उसका रिकॉर्ड ख़त्म हो गया जबकि यदि आप SMS भेजते हो तो फ़ोन कंपनी के रिकॉर्ड में 1-2 साल तक रहेगा तो इस तरह से हमारा जो कैंपेनिंग मेथड है उसमें भी कहीं डिक्लेरेशन नहीं है उसमें स्टेप बाय स्टेप एक्टिविज्म है कि आज एक्टिविस्ट को ये करना है कल ये करना है कल ये करना है इस तरह से ये बात समझनी है पर अंत में काम है वो प्रोसीजर से होता है एल्गोरिदम से होता है वो डिक्लेरेशन से नहीं होता डिक्लेरेशन से सिर्फ बड़े बड़े नारे बन सकते हैं किताबें लिखी जा सकती है PhD किया जा सकता है लेकिन उससे आप रत्ती भर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो आपको PhD करना है तो स्वराज जैसी किताबें अच्छी है लेकिन यदि आपको सचमुच प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ऐसी किताब ढूंढिए जिसमें प्रपोज गैजेट नोटिफिकेशन के ड्राफ्टों की इसमें क्या लिखना चाहिए और एक अंत में एग्जाम्पल दूंगा कि प्रोग्रामिंग में भी ऐसा आता है कि प्रोग्रामिंग में हमेशा एल्गोरिदम लिखना पड़ता है कोड लिखना पड़ता है तो इसमें भी आप कभी प्रोग्रामर से बात करोगे और मैनेजर से बात करोगे तो आपको मैनेजर की बात अच्छी चिकनी चुपड़ी लगेगी क्योंकि वो सिर्फ आपको पावर पॉइंट की स्लाइड दिखाएगा प्रोग्रामिंग में दो तरह के लोग मिले एक तरह के जो कि सिर्फ पावर पॉइंट की स्लाइड बनाते हैं गलती से कभी उनको एडिटर दे दिया प्रोग्रामिंग का विजुअल बेसिक का एडिटर हो या सी का एडिटर हो तो बेचारों से 10 लाइन लिखने में पसीने छूट जाते हैं लेकिन वो पावर पॉइंट की स्लाइड बैठे बैठे एक दिन के अंदर 100 स्लाइड बना लेंगे और वो पावर पॉइंट की स्लाइड बताएगी कि प्रोग्राम उनके कितने बड़े तीर मारता है ये करेगा वो प्रो करेगा ये मॉड्यूल है वो मॉड्यूल है तो वो सिर्फ पावर पॉइंट की स्लाइड बना सकते हैं वो मैनेजर टाइप के लोग जबकि कोडर टाइप के लोग होते हैं वो कोड लिखते हैं और वो कोड एंड में काम क्या करता है एंड में क्या वो पावर पॉइंट की स्लाइड काम कर सकती है मान लो मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड की जो एक्सिक्यूटेबल फाइल है वो डिलीट कर दूं और उसके बदले में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पावर पॉइंट स्लाइड दे दूं कि भाई देखो माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट है वो क्या क्या आपको काम करके देगा उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको दे दूं और EXE वो उड़ा दूं तो आप क्या काम कर पाओगे नहीं कर पाओगे इसी तरह से एल्गोरिदम है वो एग्जीक्यूटेबल का काम है अंत में काम प्रोसीजर ड्राफ्ट करता है गैजेट ड्राफ्ट करता है एल्गोरिदम करता है पावर पॉइंट और जो
डिक्लेरेशन है या लेबल है, लोक स्वराज का लेबल हो या तो आम आदमी का लेबल, वो लेबल है, वो एक तरह का पावर पॉइंट स्लाइड है, वो पावर पॉइंट स्लाइड है, वो कभी आपका काम नहीं करता। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रोसीजर ड्राफ्ट पे ध्यान दो और वो समझो और दूसरों को समझाने की कोशिश करो। धन्यवाद।